अस्सलाम वालेकुम। एक वहम है, वहम तो नहीं, काफ़ी हद तक ये ठीक साबित भी हो जाता है। बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर हमारी आंसर शीट गुम गई है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी आंसर शीट गुम गई है। और बारिश में पेपर भीग गए थे वो प्रैक्टिकल के, लेकिन कुछ थ्योरी के भी भीग गए थे, तो क्या हमारा पेपर उनमें था? क्या उन्होंने हमारे फर्जी नंबर लगा दिए? हमारे नंबर इससे ज़्यादा आने चाहिए थे, हमारे मार्क्स हमें कम दिए गए हैं। तो इसके बारे में बच्चे पूछ रहे हैं क्या किया जाए। तो बच्चों, पहली बात तो ऐसे है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी जो आंसर शीट है वो वाकई में गुमी है या आपका वहम है। उसको पता लगवाने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आप रीचेकिंग के लिए, रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करेंगे। उसके लिए अप्लाई कर दें, वो आपको बुलाएंगे, रीचेकिंग करवाएंगे। अगर तो आप ही की आंसर शीट चेक करवाते हैं फिर तो कन्फर्म है कि शीट नहीं गुमी। लेकिन अगर आपकी आंसर शीट आपको चेक नहीं करवाते, बहाने करते हैं या बोलते हैं कि इंतज़ार करो, ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी आंसर शीट गुम गई है, तो आप उस पर केस करेंगे। केस करने का मतलब ये नहीं कि आपको अदालत जाना है या थाने जाना है, आपने उसी डिपार्टमेंट में, मतलब मैट्रिक का इशू है ना, तो मैट्रिक डिपार्टमेंट में आप उस वक्त खड़े होंगे, तो उसी के पास ही नॉर्मली डिपार्टमेंट्स के कॉर्नर्स के अंदर हेड के ऑफिस होते हैं। वहाँ जाने के लिए आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली ऑफिस में जा सकते हैं। वहाँ पर जो उनके हेड बैठे हैं उनके पास जाके आपने उनसे कहना है कि मेरी आंसर शीट गुम गई है, तो जो हेड है डिपार्टमेंट का वो इंक्वायरी करवाएगा कि वाकई आपकी आंसर शीट घूमी है या नहीं। अगर वो आंसर शीट वाकई नहीं मिलती तो फिर बोर्ड पर कानूनन ये फ़र्ज़ है, लाजिम है कि वो आपको ए प्लस ग्रेड दे। ए प्लस ग्रेड मान लें कि 80% बनता है एटलीस्ट, वो आपको मिल जाएंगे मार्क्स, आपका रिजल्ट कार्ड नया मिल जाएगा। अगर आप वो सेटिस्फाई नहीं होते, आप बोलते हैं कि मेरे इससे भी ज़्यादा आने चाहिए थे, तो फिर आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करेंगे और इंप्रूवमेंट एग्जाम देकर इस बात को साबित करेंगे कि आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। और अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे तो आपको 80% वाला रिजल्ट आप ही के पास रहेगा। तो ये है सोल्यूशन इस बात का कि अगर आप लोगों को आंसर शीट घूमने का वहम है, तो मैं इस तरह की क्वेश्चंस जो आज के प्रॉब्लम से मुतल्लिक है रिजल्ट के, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।